चारधाम परिसर में रेल बनाने पर रोक, भाजपा ने बताया सरकार का सही निर्णय। पार्टी के अध्यक्ष ने कहा मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग। देहरादून के जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा के मार्ग का किया निरीक्षण, बुनियाद व्यवस्थाओं का लिया जायजा और बेहतर करने के दिए निर्देश। पुलिस महानिदेशक उतरे जीरो ग्राउंड पर श्रीनगर में, एसएसपी लोकेश्वर सिंह के साथ की बैठक, यातायात व्यवस्था सुचारू करने के दिए निर्देश। ऋषिकेश में एसओजी ने तीन लुटेरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से बरामद किया मोबाइल, लूट में इस्तेमाल कार भी की सीज। नमस्कार, एवन उत्तराखंड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। हल्द्वानी में सड़क पर लावारिस गाय और सांडों का घूमना जारी है, जहां सड़कों पर घूम रहे लावारिस गाय और सांड कई लोगों को चोटिल कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम पशुओं को गौशाला भेज रहा है, जहां पर साधनों के अभाव में गति सुस्त पड़ी हुई है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक हमारी गौशाला नहीं बनेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि गौशाला बनाने के लिए 4.5 हेक्टेयर जमीन नगर निगम को मिली है, लेकिन गौशाला का निर्माण होने में भी 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है, उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और जो दो हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है, और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है, वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे, और क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था, बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। भाजपा ने चारों धामों के परिसर में रेल बनाने पर रोक सरकार के निर्णय को सही और व्यवहारिक बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि उन्होंने यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने को राज्य की आर्थिकी के लिए सुनहरा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सबकी सहभागिता बेहद ही जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वे ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। ये आजमाना और श्रद्धालुओं में उत्साह भरने वाला कदम है। रूप से हमारा जो देवभूमि है, उस देवभूमि का अपने एक स्वरूप है, देवभूमि की अपनी एक मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं पर रहते हुए हमको अपने सब प्रकार की गतिविधियों पर रहना चाहिए, और अगर इस प्रकार की प्रश्न निर्माण होती हैं जिससे संस्कृति की अवहेलना होती है, संस्कृति पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो ऐसे को संज्ञान लेना सरकार का दायित्व होता है और सरकार ने उन सब कृतियों पर रोक लगाना पड़ा। चारधाम यात्रा मार्गों पर तीर्थ श्रद्धालुओं के उमड़े सैलाब के बाद फैली व्यवस्था अव्यवस्थाओं की पटरी पर लाने के लिए खुद पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। उन्होंने श्रीनगर पहुंचकर जनपद पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह के साथ बैठक की और यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की है। चारधाम पर जाने वाले सभी यात्री जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन हेतु जा रहे हैं, जब भी बद्रीनाथ और केदारनाथ में कंजेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति में ऐसे श्रद्धालुओं को श्रीनगर में हमारे द्वारा रोका जा रहा है। अतः हमारी ओर से सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आपकी यात्रा को सुगम बनाने हेतु ही हमारे द्वारा यहाँ पर ट्रैफिक को रोकाया जा रहा है, और जैसे ही बद्रीनाथ या केदारनाथ में भीड़ कम होती है तो हमारे द्वारा यहाँ से वाहनों को छोड़ा जा रहा है।
ऋषिकेश में पुलिस और एसओजी देहात ने एम्स रोड पर एक युवक से बात करने के बहाने मोबाइल लूटकर फरार हुए कार सवार तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटा गया मोबाइल बरामद किया। लूट में इस्तेमाल कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। कोतवाल शंकर सिंह बिस ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर है और नशे का आदी है। पहले भी कई बार आरोपी जेल की हवा खा चुका है। रानीबाग भीमताल मोटरमार्ग पर पर्यटकों के सफर को और सुगम बनाने और सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग ने क्रैश बैरियर वॉल लगाने का काम शुरू कर दिया है। इससे सड़क से गुजरने वाले भारी और हल्के वाहनों की सुरक्षा हो सकेगी, जिससे कि सड़कों में पैरा फिट ना होने से सड़क हादसे होने की संभावना कम हो जाती है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार रानीबाग भीमताल मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़कों और दीवारों को बनाने के साथ पैरा फिट और क्रैश बैरियर वॉल का काम किया जा रहा है। सुरक्षा उपायों के लिए जो है काफी प्रयास किया जा रहा है और सभी कम से कम नेशनल जो स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे है इनमें तो काफी पर्याप्त फंडिंग भी है। तो इसी के अगेंस्ट हमारे यहाँ जो है रानीबाग से पूरा जो है हमारे मोतिया पाथर तक जो असिस्टेंट है हमारा, इसमें भी जो है क्रैश बैरियर का काम चल रहा है। तो जिसमें हमारे 0 से 20 जो हमारा भीमताल तक का पोर्शन है इसमें लगाए जा रहे हैं। लगभग कार्य उसमें किलोमीटर 7 से 20 तक का निर्माण कार्य तो लगभग समाप्ति पर है और उसके नीचे का कार्य भी जो है प्रारंभ होने जा रहा है, वो एक अलग अनुबंध के तहत किया जा रहा है। और इसके ऊपर को जो है किलोमीटर 35 से 60 तक ये समझिए आप पदमपुरी से चारधाम यात्रा में लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका और एसएसपी अजय सिंह ने रायवाल और ऋषिकेश क्षेत्र के यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर यात्रियों के रुकने और उनके वाहनों की पार्किंग और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा में नियुक्त अधिकारियों को अन्य जनपदों से समन्वय स्थापित करने और पूर्व निर्धारित संख्या में ही श्रद्धालुओं को यात्रा में आगे भेजने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा का जो एक तरह से देखेंगे कि स्टॉपेज डेस्टिनेशन है देहरादून, वो भी ऋषिकेश है और एक जो विकास नगर है जहाँ पर हमारे तीर्थयात्री जाते हैं गंगोत्री यमुनोत्री। बहुत सारे तीर्थयात्री ऐसे भी हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर, जिनको जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उनको होल्ड करके उनका रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ही उनको भेजा जाता है। बाकी जब इतनी बड़ी संख्या में जब यात्रीगण यहाँ पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकल यात्री हैं डाइवर्जन में उनको असुविधा होती है। इसलिए समझ को ब्रीफ किया गया कि जो हमारे लोकल वाहन है या जो लोकल लोग यहाँ रहते हैं उनको उस डाइवर्जन से मुक्त रखा जाए और जो बाहरी गाड़ियाँ हैं जिनको हम डाइवर्जन प्लान में जो हम अपने रखते हैं जिससे कि वो अपने गंतव्य को चले जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। काशीपुर के रतन सिनेमा रोड स्थित एसआरएस मॉल में हाई स्कूल इंटर के माध्यमिक छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के आए परीक्षा परिणाम में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। पीसीओ अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता राम मनोत्रा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। समारोह में लगभग 20 मेधावी छात्राओं के प्रतिभाओं का इस अवसर पर छात्राओं के परिवारजनों की मौजूदगी भी रही। जिन बच्चों ने अपने स्कूलों में टॉप किया उन सब बच्चों को यहाँ पर हम लोगों ने हाई स्कूल में इंटर के सभी बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है और उन्हें ये सम्मान देने के लिए कि आगे चल के वो और तरक्की करें और ज़्यादा प्रोग्रेस करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए और अपने बोर्डों में टॉप करें, ऐसी संरचना के साथ हम लोगों ने यहाँ पर आज बुलाया है और हम लोग अपने यहाँ पर गुप्ता ने जो सेंट मेरी स्कूल काशीपुर में पढ़े हैं उन्होंने 99% अंगों के साथ न केवल हमारे परिवार का बल्कि अपने शहर काशीपुर का भी नाम रोशन किया है क्योंकि इन्होंने अपने शहर में टॉप किया है। इतना ही नहीं इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी स्थान प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे आजकल ज़्यादा ही सोशल मीडिया से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं,
वहाँ समय व्यर्थ न करें, कृपया अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए सलाह दें और उस समय का उचित प्रयोग करें, टाइम टेबल बनाएं, निरंतर अभ्यास करें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सरकारी बजट को कैसे ठिकाने लगाया जाता है, इसकी बानगी टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में देखने को मिली, जहां पर मोटर मार्ग पर की गई पेंटिंग उखाड़नी शुरू की गई। 8 किलोमीटर के इस मोटर मार्ग पर कई जगह पर सड़क के बीचों बीच घास उग गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मोटर मार्ग पर गुणवत्ता के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में कार्यदायी संस्था के खिलाफ रोष व्याप्त है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता दीपक उनियाल ने बताया कि उनके द्वारा सड़क की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अब स्थिति क्या है, अब विभाग का कहना है, विभाग से जब बात की तो उनका कहना है कि हमारा साहब हमारा जो नॉर्म्स है उसमें 20 mm ही इसमें गिट्टी पड़ेगी, लेकिन मुझे मेरे देखने से तो 20 mm भी पूरी गिट्टी नहीं पड़ रही है। दूसरी बात, जहां पेंच है, जहां ये गड्ढे हो रखे हैं, वहां पे नियम कानून से होना कहता कि उसमें तारकोल पड़ता है, उसके बाद उसमें गिट्टी भरनी थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सीधे यहाँ पे पत्थर भरे जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई तार कुछ नहीं है, पानी है इसमें कम से कम 50% से ऊपर पानी की मात्रा है, ये आप लोग देख सकते हो। दूसरी बात, संबंधित जब ठेकेदार जी से या संबंधित जी साहब से बात की तो उन लोगों का क्या कहना है कि भाई हमारे नॉर्म्स में यही है, हमारे नॉर्म्स के आधार पर सही हो रहा है, आपको जांच करवानी है करवाइए, आपको जो करवाना है करवाइए, लेकिन उनके अनुसार हम इस रोड से संतुष्ट नहीं है। जो रोड पे काम चल रहा है सभी बोल रहे हैं कि इस रोड में काम ढंग का नहीं हो रहा है। ये रोड मुश्किल से 2 या 4 महीने भी मुश्किल से चलेगी ये रोड। अभी पत्थर निकलने लगे, घास रोड में घास होने लगी अभी से, तो इस रोड का इसकी जाँच होनी चाहिए। हम सरकार से ये मांगे कि इसकी जाँच होनी चाहिए। हमारा जिससे यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड की जाँच होनी चाहिए और जो जो भी इसमें गलतियाँ हैं, जो भी इसमें सुधार हो सकता है सुधार कोशिश। आप बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से काम बिल्कुल सही हो रहा है, तो हमारी वही है कि अगर सही हो रहा है तो इसकी जांच हो, सही है तो सही है, अगर नहीं है तो इसकी इसका सही ये कारण है कि रोड का जो कार्यकर्ता तो वो सही ढंग से नहीं हो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम है इसकी। अभी आप देख रहे हो कि सामने घास अभी से 15-20 दिन पहले एक काम हुआ था, इस पर देखो अभी घास उगने शुरू हो गई है, तो इसका कार्य मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो रहा है, काम पे ध्यान दिया जाए, सही ढंग से काम प्रॉपर हो। रानीबाग के पास चलते ट्रक में आग लग गई, इससे ट्रक आग का गोला बन गया। आग लगने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रक चालक और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। हल्द्वानी से ईंटें लेकर जा रही ये गाड़ी आग लगने से रानीबाग के पास लंबा जाम लग गया। कोटगोदाम जहां पर चौकी इंचार्ज फिरोज आलम ने मौके पर पहुंचकर खुलासा किया मामले का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।